नमस्कार दोस्तों, द क्लिक शो के फूड एंड हेल्थ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम आपको ले चलेंगे खजूर का गुड़ बनाने की प्रक्रिया को दिखाने, लेकिन उससे पहले खजूर के गुड़ के बारे में वो बातें जान ले जिससे आप अभी तक अनजान है। दोस्तों, आप लोगों ने खजूर के गुड़ से बने रसगुल्ले बड़े चाव से खाए होंगे, इससे बने खीर, पीठा या अन्य मिठाइयाँ भी खाए होंगे, लेकिन इसमें मौजूद उन पोषक तत्वों के बारे में नहीं जानते होंगे जो आपके शरीर में जादुई कमाल करता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि खजूर के गुड़ में तुरंत ताकत देने वाले ग्लूकोज के अलावा आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स होते हैं। ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स से भरे इसके ताज़ा रस पीने से जहाँ शरीर को चुस्ती फुर्ती मिलती है, वहीं यह शरीर में जमे विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है, इसीलिए इसे एनर्जी ड्रिंक भी कहा जाता है। खजूर के गुड़ में मौजूद आयरन जहां खून की कमी को दूर करता है, वहीं पोटेशियम दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है, और यह तो आप जानते ही होंगे कि मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ हार्ट, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों के फंक्शन को ठीक रखता है। यही नहीं, खजूर के गुड़ एक बेहतरीन मूड बूस्टर है, साथ ही ये त्वचा में भी निखार लाता है। यानी खजूर का गुड़ आपके लिए एक तरह का विटामिनों का खजाना है, बशर्ते कि आपको डायबिटीज ना हो। सोधी महक और अलग तरह के स्वाद के लिए मशहूर खजूर का गुड़ तैयार करना बहुत ही मेहनत भरा काम होता है। दिन भर में 20 से 40 किलो गुड़ पाने के लिए कम से कम 8 से 10 लोगों की टीम को इस कड़कड़ाती ठंड में लगातार मेहनत करते रहना पड़ता है। आपको यहाँ बता दें कि ठंड जितनी बढ़ती है, खजूर का गुड़ का स्वाद और महक उतना ही बेहतर होता है। गुड़ बनाने का काम कई स्तरों में होता है। पहले स्तर में पेड़ काटने के लिए औजारों को तैयार करना, रस के लिए खजूर की पेड़ की कटाई करना, उसमें मिट्टी की हंडियों को टांगना और जलावन के लिए ढेर सारी जंगल झाड़ को जमा करने का काम होता है। दूसरे स्तर में पौ फटने से पहले दूर दूर के पेड़ों में टंगे हंडियों में जमे रस को उतार कर इकट्ठा करना और उसे फिर भट्टियों में लाकर 4 से 6 घंटे तक उबालने का काम शामिल होता है। इसके लिए ढेर सारा जलावन की जरूरत होती है, जिसे लगातार मिट्टी के भट्टी में डालते रहना पड़ता है। यह पूरा काम सुबह के 4 बजे से शुरू होकर देर शाम तक चलता है। सफेद रंग का रस रंग बदलते हुए गाढ़ा गुड़ में तब्दील होने के बाद उसे सांचे में डाला जाता है, जो कि जमकर खाने योग्य गुड़ बनता है। कुछ लोग गीला गुड़ भी पसंद करते हैं, जिसे गर्मा गर्म रोटी के साथ खाने का आनंद ही कुछ और है। अब हम करते हैं खजूर गुड़ बनाने वाले कारीगरों की बात। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी कड़ी मेहनत कर आपके जायके में मिठास घोलने वाले कारीगर की जिंदगी भीषण कष्टमय होता है। अपने घर से दूर जिस जगह पर वे झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उसे देखकर ही आपका दिल कांप उठेगा। दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में जब हम बंद कमरे में रूम हीटर चलाकर रजाई ओढ़ लेते हैं और फिर भी कहते हैं कि बहुत ठंड है, वहीं खजूर गुड़ के बनाने वाले कारीगर खुले आसमान के नीचे झाड़ियों से बना मामूली सी झोपड़ी में रात गुजारते हैं। इन झोपड़ी में न तो ठंड हवा प्रवेश रोकने का कोई व्यवस्था होती है और न ही वर्षा का पानी। अगर किसी कारण बारिश होने लगे तो ये लोग पॉलीथिन सीट ओढ़कर रात गुजारते हैं। भोजन में भी इन्हें तीनों वक्त चावल और मामूली से एक सब्जी के सहारे रहना पड़ता है। प्रकृति के अनमोल खजानों में एक खजूर की गुड़ की मिठास इन दिनों ऑनलाइन मार्केटिंग के हाथ पकड़कर विदेशों में भी लोकप्रिय हो रहा है। मकर संक्रांति के समय तो इसकी मांग आसमान छूने लगता है, लेकिन इसके बावजूद इसके कारीगर की जिंदगी ठाकुर से